गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन डिस्कस करने जा रहा हूं। यानी जो मैथमेटिक्स में आप डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं उसका इकोनॉमिक्स में क्या अप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स में उसका कैसे यूज किया जाता है, आज के इस क्लास में हम वही सीखने वाले हैं। तो बच्चों बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है बच्चों, यदि आप गेट इकोनॉमिक्स 2025 के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 जरूर लीजिए। इस बैच में मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, देख सकते हैं आप लोग, 250 आवर्स का वीडियो लेक्चर प्लस लाइव लेक्चर। लाइव लेक्चर में हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स है, प्रैक्टिस के लिए एमएसक्यू, एनएटी, एमसीक्यूज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड रीजनिंग पे क्वेश्चन है, मॉक टेस्ट है बच्चों, एंड पर्सनल मेंटरशिप। यानी आप जब चाहें, यदि आप वीडियो से पढ़ाई कर रहे हैं और आपको कभी किसी तरह का कोई डाउट होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बच्चों फिर देर मत कीजिए, आज ही आप इको पाठशाला ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने। और यदि किसी तरह का कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 9910569227 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों अब देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का इकोनॉमिक्स में एप्लीकेशन क्या है। सबसे पहले तो आप यह समझिए कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, डिफरेंशिएशन एक्चुअली में क्या है। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट से मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं कि आप 4 घंटे पढ़ रहे हैं, आपकी स्टडी टाइम कितनी है बच्चों, स्टडी टाइम 4 आवर्स है बच्चों, है ना, 4 आवर्स। तो इसमें यदि आप 4 घंटे की पढ़ाई में आपके मार्क्स 70% आ रहे हैं, राइट बच्चों, 70%। यदि आप डेली 4 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स 70% आ रहे हैं। और यदि आप स्टडी टाइम 5 घंटे कर रहे हैं, 5 आवर्स कर रहे हैं, तब आपके मार्क्स मान लेते हैं कि 85% आ गए। यानी आपने देखा ये क्या है बच्चों, ये चेंज 1 आवर्स है। कितने का चेंज हुआ बच्चों, 1 आवर्स का चेंज। 1 आवर्स के चेंज से आपके मार्क्स में कितने परसेंट का है बच्चों, 15% का डिफरेंस। इसे ही आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी एक यूनिट डिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से, एक यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के चेंज होने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है उसे ही आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। आई रिपीट अगेन, एक यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितने का चेंज आता है उसे ही आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब इसको थोड़ा मैथमेटिक्स फॉर्म में देखिए। अब मान लीजिए कि ये जो है आपका वाई, इसको दूसरे कलर में ले रहे हैं। मान लीजिए कि वाई जो है आपका मार्क्स है, वाई क्या है बच्चों, मार्क्स है ना, वाई आपका मार्क्स है बच्चों, यानी आपके एग्जाम में कितने मार्क्स आते हैं, ठीक है। इज द फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ स्टडी आवर्स, ये क्या है बच्चों, टाइम है ना, टाइम। यानी कहने का मतलब ये है बच्चों कि आपका जो मार्क्स है यानी कितना परसेंट मार्क्स आपको आता है डिपेंड करता है किस पे,
आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कितना परसेंट मार्क्स आता है डिपेंड करता है आप कितने घंटे आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप इसको कहते हैं क्या बच्चों, पता है आपको, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या कहते हैं बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल इसको आप कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं बच्चों? डिपेंडेंट वेरिएबल। और इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना बच्चों। कहने का मतलब यह है बच्चों कि एक यूनिट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है उसे ही आप डिफरेंशिएशन कहते हैं। बताया था ना एग्जांपल कि एक घंटा आप अपना स्टडी टाइम बढ़ाते हैं तो आपके मार्क्स में कितने परसेंट का चेंज आता है। एग्जांपल दिया था 15% का। पहले आप 4 घंटे पढ़ते थे तो आपके मार्क्स आते थे 70%, अब आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपके मार्क्स आ रहे हैं 85%। तो एक घंटा स्टडी टाइम बढ़ाने से मार्क्स में जो चेंज आया उसे आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखते हैं बच्चों ये चीज, ये देखिए, इसको मैथमेटिक्स में जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया ना बच्चों कि y इज द फंक्शन ऑफ एच था, ये है ना। जनरली चूंकि यहां पे हमने चूंकि आर्स का था, जनरली y इज द फंक्शन ऑफ x लेते हैं, है ना बच्चों। y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है x पे डिपेंडेंट है। चूंकि फंक्शन है तो फंक्शन किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, y इज इक्वल्स टू 4। अब ये देखिए ये क्या है, अब यहां तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट है। तो एक यूनिट यहां तो कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, कॉन्स्टेंट है। एक और केस देखिए, y इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। और देखिए y इज इक्वल्स टू x एंड z। ये 3-4 चीजें आप देख रहे हैं, इस तरह के फंक्शन होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एक यूनिट वेरिएबल में यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आता है। तो इस सब के लिए रूल है बच्चों, तो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक रूल मैं आपको बताते जाता हूं बच्चों, देखिए, और उसका एप्लीकेशन भी बताते जाता हूं, देखिए प्लीज। तो ये पहला रूल आप देख सकते हैं बच्चों, कॉन्स्टेंट फंक्शन रूल। क्या है बच्चों? कॉन्स्टेंट फंक्शन, या आप कह सकते हैं कॉन्स्टेंट रूल। पहला रूल है बच्चों कॉन्स्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। कॉन्स्टेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, सबसे पहले आप ये समझिए, यानी जैसे हमने किया कि y इज इक्वल्स टू 4। आप देखिए, अब चूंकि ये तो कॉन्स्टेंट है, इसमें कोई चेंज तो आएगा नहीं, ये वेरिएबल तो है ही नहीं, या फिर इसको आप इस तरीके से कर दीजिए, देखिए y इज इक्वल्स टू बीटा, है ना। तो बीटा जो है कांस्टेंट है, बार का मतलब कांस्टेंट होता है। तो इस केस में यहां पे क्या होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा, ये देखिए, या फिर इसको ना, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा यहां पे, डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा इसका, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब ये हम चेंज फाइंड करना, तो इसमें चेंज आएगा नहीं तो फिर तो 0 ही, तो इसको कांस्टेंट रूल कहते हैं।
अब देखिए पावर रूल, देखिए दूसरा है आपका पावर रूल, दूसरे को आप पावर रूल कहते हैं, दूसरे को आप कहते हैं पावर रूल, पावर रूल। देखिए यहां पे ऊपर मैंने दो चीजें यहां पे लिखी थी, ये देखिए पहला केस, देखिए हमने ये लिखा था यहां पे ऊपर कि y इज इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये चीज दो हमने लिखा और दोनों ही पावर रूल है। x पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब पावर वन है, ये x पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब पावर वन है ना। तो अब इसका डिफरेंशिएशन का रूल देखिए क्या होता है ना बच्चों, कि ये जब आप डिफरेंशिएट करते हैं dy ओवर dx, d का मतलब चेंज, चेंज इन y, देखिए चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो इसके लिए क्या रूल है बच्चों, ये देखिए जो पावर होता है ना बच्चों, जो पावर होता है वो यहां आता है पहले, यानी वन, ठीक है बच्चों, वन इंटू एक्स पे पावर वन एज इट इज और माइनस वन आ गया, इससे आप कहते हैं पावर रूल। क्या होगा इसकी वैल्यू पता है आपको बच्चों, इसका वैल्यू पता है क्या होगा, देखिए वन इंटू एक्स पे पावर जीरो आ जाएगा, वन माइनस वन जीरो, तो जब किसी भी वेरिएबल का पावर जब जीरो आता है तो उसकी वैल्यू वन हो जाती है, जाती है, तो इसका मतलब हो जाएगा यहां पे वन, यानी यानी वन यूनिट चेंज इन एक्स विल लीड टू वन यूनिट चेंज इन वाई, इसको भी इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी यहां इसका मतलब होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, और आप कह सकते हैं और इसको और बेसिक समझिए डी वाई इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए वन इंटू डी एक्स, डी का मतलब चेंज, डी का मतलब चेंज, वन यूनिट चेंज इन एक्स विल लीड टू वन यूनिट चेंज इन वाई, क्लियर है, वन यूनिट चेंज इन एक्स विल लीड टू वन यूनिट चेंज इन वाई। अब ये तो था एक पहला बेसिक वाला चीज, दूसरा भी है आपको यहां पे मैं दिखाना चाहता हूं बच्चों, ये वाला केस था दूसरा, इसको आप डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा इस रूल के अनुसार, देखिए dy by dx इज इक्वल टू, ये वाला पहले आ जाएगा यहां पे 2 इंटू एक्स पे पावर 2 माइनस 1, पावर में से माइनस वन हो जाता है डिफरेंशिएट जब करते हैं, तो क्या आएगा बच्चों बता सकते हैं आप लोग, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये देखिए टू एक्स पे पावर वन और डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू टू इक्वल्स टू टू एक्स, ठीक है, और आप इसको थोड़ा और एलाबरेट करें तो चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू, ये देखिए प्लीज चेंज इन वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, टू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है बच्चों टू एक्स इंटू डी एक्स, यानी जितना आप एक्स में चेंज करेंगे वाई में इसके मल्टीपल में चेंज होएगा, y में इसके मल्टीपल में चेंज होएगा बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए dx में आपके पास x की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर, dx का मतलब चेंज है ये चीज, ठीक है, तो जितना आप x में चेंज करेंगे 2 के मल्टीपल में y में चेंज आएगा, ये है आपका समझ। फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मान लेते हैं यहां पे, मान लेते हैं आपको dy इज इक्वल टू 2 और इंटू एक्स में कितना चेंज है, एक्स में मान लेते हैं कि 5 का चेंज है, तो वाई में चेंज कितना आएगा बच्चों, वाई में डी वाई इज इक्वल टू 10, इसी को आप डिफरेंशिएशन कहते हैं, एक्स में यदि 5 यूनिट का चेंज आता है तो वाई में 10 यूनिट का चेंज आएगा, क्योंकि ये जो 2 है वो 2 के मल्टीपल में होगा,
क्लियर हो गया बच्चों। अब देखिए इसमें ना कई बार आपको उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली इससे पूछे जाते हैं। देखिए किस तरीके से आपको क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लेते हैं इन्होंने दिया कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 5x प्लस 10x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन, ये आपका इक्वेशन दे दिया, ये टोटल कॉस्ट। अब कह सकता है यहां पे कि आप इससे मार्जिनल कॉस्ट निकालिए, आप इससे मार्जिनल कॉस्ट निकालिए। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। मार्जिनल कॉस्ट क्या था, टोटल कॉस्ट का डिफरेंशिएशन। सो यहां पे देखिए चेंज इन टीसी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू, अब ये तो जीरो हो जाएगा, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, कॉन्स्टेंट वाला रूल यहां लगेगा। यहां पे क्या आएगा बच्चों, 5x पे पावर 1-1 प्लस, ये देखिए यहां पे 2 × 10x पे पावर 2-1 हो जाएगा। तो क्या आएगा बच्चों, dtc विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे चेंज इन x, तो क्या आएगा, इसके पावर तो यहां पे 5 बन जाएगा बच्चों, क्योंकि ये पावर 0 हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस या देखिए 20x पे पावर 1, या फिर आप कह सकते हैं 5 प्लस 20x, ये आपका हो गया क्या, मार्जिनल कॉस्ट। यानी एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स विल लीड टू 20 × 5 ऑफ द टू इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट। यानी एक यूनिट एक्स बढ़ाने से 20 + 5 से आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा। या आप सिंपल सी ये भी बातें, 5 तो कांस्टेंट है, ये तो फिक्स्ड कॉस्ट है ना, फिक्स कॉस्ट नहीं है, मतलब 5 कांस्टेंट है यहां पे, तो एक यूनिट एक्स बढ़ाने से जो मार्जिनल कॉस्ट में जो चेंज आएगा वो 20 यूनिट से चेंज आएगा। इस तरीके से आपका इकोनॉमिक्स में इसका एप्लीकेशन है। सिमिलरली आप मार्जिनल रेवेन्यू में भी आप कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आपको टोटल रेवेन्यू दिया गया है बच्चों, मान लेते हैं कि आपका आपको टोटल रेवेन्यू दिया गया है, ठीक है, से टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों, आप जानते हैं टोटल जितना आउटपुट बढ़ेगा उसी के अनुसार आपका वो आएगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू से 10x प्लस 5x का स्क्वायर, ये हो गया टोटल रेवेन्यू। और इसका मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा बच्चों, मार्जिनल रेवेन्यू कितना आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका तो 1 आ जाएगा, तो 10 प्लस 2 × 5x है ना, दैट इज 10 प्लस 10x ये आ गया आपके पास मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट निकल गया, मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा, या निकल गया यहां पर भी। और इन दोनों को इक्वेट कर देने से इक्विलिब्रियम आता है, MR इज इक्वल्स टू MC। तो बच्चों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।